हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए लाइफ ऑफ वर्किंग वुमेन। और मैं जॉब से लौट रही हूँ और रास्ते में मैं थोड़ा वीडियो शूट कर लेती हूँ रास्ते का, जिससे मैं जाती हूँ, जिस रास्ते से मैं आती हूँ जाती हूँ। बीच में पुल पड़ता है तो ये पुल का ही है। आते जाते बहुत सारे चीज़ों को मैं देखती हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखती हैं जो अद्भुत भी हो जाती है और नज़ारा भी कुछ अलग हो जाता है। बहुत सारे फ्रेंड भी मिल जाती हैं जो टाइम से हम लोग निकलते हैं तो एक साथ मिल जाती हैं। मैं घर आ गई, घर आने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली और थोड़ा पिलो कवर था उसको मैं सिल रही थी। उसके बाद सारे लंच बॉक्स वगैरह सब धोना डेली रूटीन में है वो। तो आने के बाद मेड मैं इसलिए नहीं रखती हूँ कि वो टाइमिंग मेड का सही नहीं है। मुझे मॉर्निंग में 7:30 तक सारा काम होना चाहिए और मेड आती है तो वो लेट से आती है, इससे मैं मेड से मुझे ये हो जाती है, टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए सेल्फी करना पड़ता है सारा काम। और जब आप मन में सोच लेते हो कि आपको करना है तो हो भी जाता है। थोड़ी सी परेशानी होती है लेकिन वो फिर भी ठीक हो जाता है। और मुझे आज निमंत्रण मिला है बर्थडे का और आज हम लोग को वहीं जाना है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। मैं आम, कच्चे आम का लौंजी भी कह सकते हैं, गुड़म्मा भी कह सकते हैं, वही मैं बनाऊँगी आज सिर्फ कल के लिए। मैं लाल मिर्च, जीरा, तेजपत्र का फ़ौरन डाल दिया है, इसमें मिर्च भी पड़ती है। ये मीठा और नमकीन हल्का होता है तो खट्टा मीठा बहुत अच्छा लगता है। आम को मैं काट ली हूँ और इसकी मैं लौंजी बनाऊँगी। ये देखिए अभी मार्केट में आम मिल रहे हैं, थोड़े बहुत कहीं कहीं मिल जा रही है तो 2-3 दिन चल जाता है ये, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं खट्टी मीठी चटनी खाकर। मैं अभी इसमें गुड़ डाल दी हूँ अपने स्वाद के अनुसार, चाहे तो आप हल्का मीठा या कम मीठा भी बना सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं, मैं आ गई हूँ पार्टी में। ये रहा पिक और थैंक यू।